मोहित साहब हमारे साथ बैठे हैं, ये बिहार सरकार के वरीय अधिकारी हैं, पर जैसे मैंने कहा ये बहुत ही तंग हालात में इन्होंने पढ़ाई की, बहुत संक्षेप में मोहित साहब आप भी कुछ अपनी राय दीजिए, उसके बाद मैं हम लोग शायद ये सेशन क्लोज करें। बहुत शुक्रिया सर। हमारे गार्जियन डॉक्टर सफीन इन में और यहाँ मौजूद हमारे मिस्टर मिसेस गुरेश्वरा चेयरमैन इरफान फाउंडेशन, मिस्टर बाला गोपाल सर और उनकी अहिया मिसेस विदिता मैम, डॉक्टर आमिर अफर फैजी हमारे दोस्त, मिन्नती चकनवीस यहाँ मौजूद हैं, जीशान निजामी भी हैं टाइम्स ऑफ इंडिया से, और मिसेस अमरीन हुसैन, मेरी प्यारी बहनें, खुदी को कर बुला देता कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो जो सफीना मैम ने बोला एपी के अबुल कलाम को कोट किया कि ड्रीम ड्रीम की बात बारा सब ने की, और एपी के अबुल कलाम ने कहा कि ड्रीम वही है जो आपको सोने ना रात में नींद नहीं आए वही ड्रीम है। तो जाहिर सी बात है कि अभी सफीना मैम ने बड़ी तफसील से आपको बताया, बाला साहब ने बताया और विनीता मैम ने बताया, बड़ी तफसील से बताया कि उनकी जो जर्नी रही केरल के एक छोटे से गांव और छोटे से डिस्ट्रिक्ट से आईएएस का सफ़र जो उन्होंने बताया, और ये भी बताया मैम ने कि आप पे कुछ भी बन सकती है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। और मैं बहुत ब्रीफ में बताऊँगा कि मैंने भी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत आप ही जैसे बैकग्राउंड से किया है। मैं पटना सिटी में रहता हूँ, और मेरे वालिद जब मैं 3 साल का था तो मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। मैं जब मैट्रिक का इम्तहान दे के रिजल्ट वेट कर रहा था उस वक्त मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। मेरी शिक्षा दीक्षा पटना साइंस कॉलेज में हुई, और मैंने मास्टर डिग्री किया, बीएड किया, लॉ किया, डिस्टेंस में एमबीए किया मैंने, और बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में मेरा पहली बार मैं बैठा 1995 बैच में, 38 बैच में, और मेरा सिलेक्शन हो गया। इसके पहले मैं मैम के पोस्ट के लिए ट्राई करता रहा है ना, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आईएएस बने। तो ये स्ट्रगल रहा मेरा। मैंने बचपन में जब वालदे नहीं थे तो मेरी खाला जान ने मेरी परवरिश की, और मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के खुद पढ़ा। मैं जब 8वें 9वें में था उस वक्त भी मैंने ट्यूशन पढ़ना शुरू कर दिया, और जब मैं बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन करने जा रहा था उस वक्त हमारे पास +2 और केमिस्ट्री ऑनर्स के 5-6 बैच थे, और कोई कोचिंग की शक्ल में नहीं था, मेरे घर में ही बच्चे आते थे, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती थी, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं रहता था। शायद मुझे जब असेसमेंट करता हूँ तो UPSC में जो सबसे बड़ा बाधा मेरे साथ रहा वो मेरा ट्यूशन और बैच हमेशा घिरे रहते थे बच्चों से, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर सका। सिविल सर्विसेज के लिए मैम ने जो बोला जो फोकस और कंसंट्रेशन की ज़रूरत है उसमें कमी रही, लेकिन मेरे हाथ मैं बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में पहली बार बैठा BPSC में और बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिल गया। तो ये जो मेरा सफ़र रहा इसमें बच्चों में ये शेयर करना चाहता हूँ कि मुश्किलें आएंगी लेकिन मुश्किल से नहीं घबराना, और जो माहौल है आपका कि वालदैन बहुत जल्दी शादी करना चाहते हैं या घर के लोग पड़ोस के लोग मोटिवेट नहीं करेंगे आपको कहाँ पर रही हो पढ़ के क्या करोगी, है ना, तो ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं बच्चियों की, है ना, खातून की जिन्होंने मेहनत करके बहुत नाम रोशन किया पूरी दुनिया में, पूरी तारीख बड़ी पड़ी है, इसलिए इसमें आपको घबराना नहीं है। और जो मैम ने कहा आप पे बेसिक जो आप पढ़ रहे हैं वो पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, और आगे सब रास्ता खुलता चला जाएगा। और ज़माना आजकल है नेट का ज़माना है, तो बेसिक जो चीज़ें हैं पढ़ने की वो आदत डालिए, फोकस डालिए, अखबार ज़रूर पढ़िए, एक अखबार ज़रूर पढ़िए, और जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज पर ध्यान देना है, और इसी तरह से खुद रास्ता खुलता चलेगा। बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, चूँकि वक्त कम है, मैं तो वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़रिए भी
इसके डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना गुल्ले सदा सर ने एक अवेयरनेस कैंप कराया था वहाँ पे बिटिया में, मैं उसमें गया था, मैंने बात किया था, तो कम 3-4 घंटे का प्रोग्राम था, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम था। तो मैं तो सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ गुल्ले सदा सर का, मैम का, के और ये हमारे सोर्स ऑफ मोटिवेशन, बाला सर जैसे शख्सियत हमारे सोर्स ऑफ मोटिवेशन है कि आप इस पोस्ट पे रह के गुल्ले सदा सर वर्ल्ड बैंक में रह के और उसके बाद फिर अपनी सरजमीन से हमेशा जुड़े रहे। मैं इनसे सीखता हूँ और मैं पटना सिटी में मैं भी सोशल वर्क करता हूँ, है ना। तो ये काम जो है आपको करना है, पढ़ना है दिल लगा के और फोकस करना है स्टडी पर, बेसिक फंडामेंटल मैम ने जो बोला, बेसिक साइंस, मैथ, जनरल अवेयरनेस, अखबार जरूर पढ़ना है और ये तय करना है कि हम भूखे रहेंगे लेकिन पढ़ाई करेंगे। जब पटना साइंस कॉलेज पढ़ता था तो सरकारी बस से ही मैं आना जाना करता था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे ऑटो से चलने का। तो जब हमारी सरकारी बस तो टाइम फिक्स रहता है, कॉलेज की बस थी, यूनिवर्सिटी की बस थी, तो जब बस मिस कर जाती थी तो मैं दूसरी बस के लिए उतना जो 2 घंटे का गैप था, 1 घंटे का गैप था, वो पटना साइंस कॉलेज की लाइब्रेरी मार्केट टाइम मेकअप करता था, फिर दूसरी बस से मैं सवार होकर आता था। तो लर्निंग एंड अर्निंग दोनों साथ साथ मैंने किया और मैंने खुद से पढ़ाई लिखाई की, है ना। तो इस तरह से कभी भी ये नहीं हिम्मत हारना है, जिंदगी में बहुत सारे कांटे आएंगे, बहुत सारे मसाइल आएंगे, लेकिन एक बात ध्यान में जरूर रखना है कि अगर आप पॉजिटिवली पॉजिटिव रहेंगे, है ना, तो ऊपर वाला भी आपकी मदद करेगा। और जैसे गुल्ले सदा सर उनकी मैडम को अल्लाह ने आपके लिए भेजा है क्योंकि आप चाहते हैं आगे बढ़ना, इसलिए उनको अल्लाह ने आपके पास भेजा है, दूध बना के भेजा है। तो आप ये बहुत अपॉर्चुनिटी, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम लोग को तो सर जैसा कोई मेंटर भी बचपन में नहीं मिला, बहुत स्ट्रगल करते थे। तो इस तरह से आपको ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आगे बढ़ना है, रास्ता सब खुलेगा, सब रास्ता खुलेगा, नए नए विश्लेषण होगा। मिन्नती मैम बताएंगे आपको, निशान निजामी यहाँ पर है, ये भी आपके सोसाइटी से हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया की स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। सेकंड सेशन में रमित जयपुरियार आएंगे, लॉयर आएंगे, बताएंगे आपको। इसलिए सारी चीज़ें आपके लिए हैं, लेकिन पॉजिटिव रहना है और हिम्मत नहीं हारना, यही मेरा कहना है। शुक्रिया, थैंक यू।